हेलो गाइस, कैसे हो? तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया है दोस्तों कि मैं बिजिट वीज़ा पे आ गया और फंस गया, मुझे जाने का टिकट भी नहीं है, मैं क्या करूं, घर पे भी उतना पैसे नहीं है। तो प्रॉपर इस वीडियो में सलूशन बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर मान लिया बिजिट वीज़ा पे आए हो, जॉब नहीं लग रहा है, आपको घर वापस जाना है, तो कैसे जा सकते हो और पैसे कैसे, टिकट कैसे अरेंज हो सकता है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ और जो भी बताता हूँ दोस्तों वो रियलिटी के बेस पे बताता हूँ। और मैं जहाँ तक कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता था दोस्तों कि कौन सी दुबई में कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ दोस्तों और वर्कर की फीलिंग समझता हूँ, इस बेस पर मैं आप लोग से बात करता हूँ। तो जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो मैं सोचता हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, और आपके पास भी जो भी नॉलेज है कॉमेंट बॉक्स में चलता वीडियो भर में दोस्तों 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कॉमेंट करते हो तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई देगा। और दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करके आप पूछ सकते हो जो भी सवाल है कंपनी के बारे में, क्योंकि इस पर बहुत सारा कमेंट आ जाता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि अगर मान लिया आप बिजिट वीज़ा पे आए और फंस गए, आपके पास ना खाने का पैसा है ना टिकट है वापस जाने के लिए, क्योंकि टिकट भी बहुत सारा एजेंट तुरंत कैंसिल करा देती है, दोनों तरफ का टिकट तो शो करती है मगर कैंसिल करा देती है साइट का टिकट, तो आप क्या करोगे उस हालात में, क्या करोगे, किसके पास जाओगे वापस जाने के लिए? बहुत सारा वर्कर लोग हेल्प भी नहीं करता है क्योंकि उन लोग खुद परेशान होता है दोस्तों। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, आपको किसी से भी संपर्क नहीं करना है, आपको जाना, ये रियल जानकारी मैं दोस्तों दे रहा हूँ रियलिटी के बेस पे, ये कोई न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा और ना कोई बताएगा आपको। बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं और यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि बहुत वो लोग कॉपरेट करता है। इंडिया में तो इंडिया के कोई भी ऑफिस में जाओगे तो कॉपरेट नहीं आपको इतना मिलेगा, मगर यहाँ का जो ऑफिस है इंडियन एम्बेसी में अगर आप जाते हो और अपना दर्द बताते हो, दुबई में भी है एम्बेसी, अबू धाबी में भी एम्बेसी है यूएई के अंदर, तो वहाँ पे जाते हो अपना जो भी फीलिंग हो बताते हो तो 110% आपके टिकट के भी अरेंज करते। बहुत सारा को तो ऐसा हुआ है कि खुद वो लोग जॉब भी अरेंज कर दिया है, बहुत सारा लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अपना वो लोग दर्द कहानी बताने गया और पता चला कि उन लोग को वहीं पे कोई किसी से बातचीत करके उन लोग को जॉब का अरेंजमेंट वो लोग कर दिया, और जिसको घर जाना था तो उन लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है दोस्त आपको, हाँ यह है कि आपको पूरा सच्चाई जानेंगे, वो लोग घर से भी संपर्क करेंगे कि आपके पास पैसे अफोर्ड, टिकट का पैसे अफोर्ड करने के लायक हैं कि नहीं, तो आपको सीधा जाना है इंडियन एम्बेसी में। आप कोई भी टैक्सी वाला का बोलोगे कि मुझे इंडियन एम्बेसी जाना है, वो लोग लेके चल जाएंगे, या किसी से पूछो यहाँ पे कहाँ पे है इंडियन एम्बेसी, कोई भी बता देगा आपको। तो आपको इंडियन एम्बेसी में जाना है और वहाँ जाने के बाद अपना दर्द बताना है, वो लोग 110% आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो ये जानकारी दोस्तों मुझे शेयर करना था क्योंकि बहुत सारा भाइयों के साथ ऐसा हुआ था और बहुत सारा भाई लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो मिलता है दोस्तों, जब तक गुड बाय।